मिलावटी शराब पीने से उत्तर प्रदेश में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल जिला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम ददरी में बीती रात मिलावटी शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो लोगों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा घटना? देखिए, संज्ञान में आया है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अत्यधिक शराब पी है। चार लोगों ने बैठकर पार्टी की थी, जिसमें से दो लोगों की एक लोगों का देहांत हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, और एक लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो तीसरा व्यक्ति है उसको थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, अभी वो ठीक है। और चौथे व्यक्ति को इतने ज़्यादा सिम्टम्स कोई दिखे नहीं है, तो अभी हम इसकी जाँच करा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फाइनल निर्णय हो पाएगा और हम तभी कुछ कह पाएंगे। इस संबंध में हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे जो भी दोषी व्यक्ति होगा, और एहतियात के तौर पर हमने आसपास लोगों को बोला है कि किसी को कोई भी दिक्कत होती है हमें तुरंत अवगत कराएं, हम हॉस्पिटल में उसको भेजेंगे। किसी प्रकार का आपत्तिजनक केमिकल वगैरह बरामद? देखिए, अभी तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जैसे ही यह खबर पूरे क्षेत्र में फैली, इसकी सूचना मिलते ही DM, SP और आबकारी अधिकारी भारी पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गांव के कई घरों में अवैध शराब को लेकर खुद जिलाधिकारी ने छापेमारी भी की। वहीं शराब विक्रेता मौके से फरार हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही है। जिलाधिकारी जालौन ने पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण बताने की बात कही है। साथ ही जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके प्रति बड़ी कार्रवाई की जाएगी।